लास्ट 3 महीने ढाई महीने पहले मुझे याद नहीं है, गुलाम नबी जी के जो अपोजिशन लीडर हैं राज्यसभा में, उनके कमरे में बैठक हुई थी। उसमें 3 सवाल पर समूचे विपक्ष को, एक तो किसान वाला रैली था, बरसात के कारण वो नहीं हो पा, फिर बेकार बेरोजगारी पर भी एक रैली करने का था, और एक जो है वो हिंदुस्तान का जो प्रियम्बल संविधान का, उस प्रियम्बल को आधार बना करके टू सेव द कंपोजिट कल्चर, उसको हिंदी में साझा विरासत बचाओ सम्मेलन, सेव कंपोजिट कल्चर, प्रियम्बल में ये सब चीज है। साझा विरासत बचाओ सम्मेलन, दिल्ली और पंजाब में उसको सांझी कहते, सांझी विरासत बचाओ सम्मेलन। इस देश में हिंदुस्तान का जो बंटवारा हो गया उसमें लगभग 15 लाख लोग, 10 से 15 लाख, सरकार 10 लाख कहती है, दुनिया में कहीं ऐसा बंटवारा नहीं हुआ कि आबादी करोड़ों की उस देश से इस देश में आ गए, उस देश से उस देश में आ गए, इतनी बड़ी त्रासदी देश ने भोगी। इसके बाद हिंदुस्तान के संविधान बनाने वाले जो हमारे पुरखे थे, जवाहरलाल जी से लेकर के सरदार पटेल से लेकर के मौलाना आजाद से लेकर के और बाबा साहब अम्बेडकर, हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, डिवीजन हो गया। इसके बाद साझा विरासत का संविधान बना, इसलिए संविधान बना कि इतने अंतर विरोधों से भरा हुआ कोई देश नहीं, रीजन है। ये सम्मेलन जो है वो अकेला यही नहीं होगा, ये लखनऊ में होगा, ये पटना में होगा, ये इंदौर में होगा, ये नागपुर में होगा, ये सब जगह मैं इस सम्मेलन को करने का काम करूंगा। देश भर में फिर से हिंदुस्तान के संविधान का जो प्रियम्बल है उसे देश के जन जन तक पहुंचाने का काम हम पूरे देश को घूम के करें, और इसलिए ये जो साझा विरासत मैंने नाम रखा है, ये हकीकत में उसकी जो संविधान है उसकी कोई सोल है, आत्मा है, तो वही इसे किसी तरह कोई हिलाएगा तो निश्चित तौर पर हम उसके खिलाफ संग्राम करें। और आपके पास ये मैंने लिखित में भी दिया है, आप सोच रहे मैं हिंदी में नहीं बना पाया समय अभाव कारण, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और इसको छोड़ करके आज मैं किसी दूसरे सवाल पर, एक भी सवाल है जिस पर आपको मैंने बुलाया, इसको छोड़ करके कोई सवाल जी, इसमें क्या नीतीश जी भी आएंगे? सबको मैं निमंत्रण दिया हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब सब कहता हूँ तो उसमें अलग अलग नाम क्यों लेना चाहते हैं? पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर, ये सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी? ये सारा इसमें लिखा हुआ, एक बार आप बता देते सर कि क्या जरूरत क्यों बुलाया गया? इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान जो है, आज हत्या हो रही है किसानों की, आत्महत्या हो रही है, आज आंध्र प्रदेश का रोहित बेमुला ये अनाउंस करके घोषित करके जाता है, दलितों का उड़ा में रोहित बेमुला अनाउंस करके घोषित करके जाता है, इस देश में किसी का दोष नहीं है, मेरा जन्म यानी दलित में जो पैदा हुआ, बाबा साहब जिंदगी में लड़े,
70 बरस की आजादी के बाद एक नौजवान बड़ी कठिनाई से गरीबों में निकलता है, वो कहता है कि मेरा जन्म ही मेरा गुनाह। ये आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का लड़का, जेएनयू का जिंदा आदमी, कैसा लोग शायद लोकतंत्र है, चारों तरफ कोई खाने पर किसी तरह से ले लोगों को, यानी भीड़ मिलकर के हत्या कर रही जी। नजीब जिंदा आदमी कभी हो सकता है? और वो भी देश की सबसे सबसे ज्यादा, यानी जो यूनिवर्सिटी जिसने देश के एक चौथाई ब्यूरोक्रेट दिए होंगे, कई आपका सीताराम यचुरी से लेकर के कई नौजवान जो है सुधीर भदौरिया आपके, कई लोग प्रकाश कारक, कितने तरह के लोग नेता यहाँ से निकले, तो बहुत विस्तार में नहीं जाता मैं। सर जी एक सवाल है कि क्या ये तो आपको याद आया कि संविधान में इस तरह संविधान किसे स्थापित नहीं हो रहा, ये महागठबंधन ऐसा है ना, मैंने आपसे शुरू में कहा कि आज का फैसला नहीं है, इसका किसी चीज से वास्ता नहीं, और आप इस पत्रकार भी हैं, रोज देखते हैं, ये साझा विरासत का जिक्र एक दिन का नहीं है, पार्लियामेंट में सीताराम यचुरी बोला साझा विरासत, ये सारी जो बात बोल रहे हैं उससे बड़ी चीज है। एक शरद जी आपको सवाल सीधा सा है कि जब ये साझा विरासत का आपने फैसला लिया था तब आप जेडीयू के पार्ट थे, अभी जेडीयू से बाहर है तो इसका कितना असर होगा? मैं इन सारी बातों का जवाब देना इस बड़े सवाल को छोटा नहीं करना चाहिए। आपसे पहले निवेदन किया कि इसको छोड़ करके कोई सवाल हमारे सामने बहुत, आप इसको ये जान लीजिए कि वो कोई सवाल इससे बड़ा सवाल नहीं है। निकाले गए इस पर आपकी क्या प्रश्न? नहीं कोई बात इस पर नहीं कहना है। इस पर भी आप जो पूछ रहे हैं वो मेरे से वास्ता नहीं रखता, मतलब मैंने जो सवाल आप पूछ रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ इसको बोलूँ, निमंत्रण सबको दिया, जब बता दिया मैंने सबको दिया है, क्वेश्चन में था सबको दिया। आपने साझा विरासत की बात की, आपने कहा ये एक संग्राम हम शुरू कर रहे हैं साझा विरासत की, संग्राम नहीं, जिन्होंने चोट पहुंचाई है, क्या गठबंधन को लेकर भी चोट पहुंचाई है इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है? मैं आपसे कहूँ की दूसरे सवाल जो है उसमें उसके साथ इसको जोड़िए। सर जी आपने कहा कि दो तीन दिन पहले विपक्षी नेताओं से बैठक में तय हुआ था, तो कल के सम्मेलन में क्या वो सारे विपक्षी नेता मौजूद रहेंगे? मैं सोचता हूँ सबसे एक सवाल जवाब दे रहे सारे नेता हैं जो उस मीटिंग में थे, जो वहाँ पर गुलाम आजाद कमरे में थे। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आने के बाद ही संविधान खतरे में है? मेरा ये मानना है नहीं, वो खतरा तो बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन संविधान के साथ इधर उधर से छेड़खानी हो रही, इधर उधर से छेड़खानी चल रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आस्था के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, आप साझा विरासत की बात करें, क्या आपको लगता है कि नहीं उनकी जो बात है, कल उन्होंने ठीक बात की, उसके पहले भी ठीक कहा, लेकिन धरती में ये नहीं उतर रहा, तो मेरी उनसे विनती है कि जो सरकारें उनकी है जहाँ नहीं है उसमें हम भी पूरे देशभर में वातावरण बनाएंगे कि साझा विरासत ही उनकी एकता अखंडता जो है उसको अक्षुण रख सकता है। आपने कहा आपने निमंत्रण सबको दिया है, तो कंफर्म किसने किया है? बहुत लोगों ने किया, बहुत अधिकांश लोग आए, मैंने कहा ना उनका नाम लेना ठीक नहीं है, बात लेना के जान लीजिए कल दिख जाएगा। सम्मेलन केवल जेएनयू नजीब या रोहित मोरवाला को लेकर भी है और भी सब लोग नहीं, आपने ऐसा कहा ना, मैंने कहा कि हत्या, मैंने कहा कितने नाम लूंगा, हत्या और किसानों की आत्महत्या,
नौजवानों की बेकारी, सबकी चिंता है ना, चिंता नहीं हो बेरोजगारी, आपके नौजवान जो है वो सबसे ज्यादा कहते जवान देश है और सबसे ज्यादा बेकारी और बेरोजगारी कॉन्टेक्ट लेवल पार्लियामेंट। मैंने कहा कि पार्लियामेंट और हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो मतलब याद है ठेके पे काम कर लोगों करवाती, जो कॉन्टेक्ट लेवल क्या चीज है, आदमी के सोशल का हिस्सा बड़ा कोई हिस्सा है, हम सब लोग हो सबसे ज्यादा हायर एंड फायर मीडिया में है। एक सवाल है कि आप बिहार के लिए जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान पीएम ने किया था, अब ये कहा जा रहा है कि वो लागू करने की तैयारी की जा रही है इस महीने के अंत तक। नहीं, मैं देखा कि आप पीछा कर रहे हैं। वो सवालों को पिक ले शरद जी, आपने कहा संविधान में छेड़खानी, आपने संविधान में छेड़खानी की बात की, तो जिस तरह से जोड़ तोड़ के सरकारें बनाई जा रही है, क्या आप उसी पैटर्न में देखते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी पेपर जो आपके हाथ में दिया मिल मेरा, उसमें कल के आंदोलन का पूरा चित्र उसमें मैंने डाला। शरद जी, 20 महीने तो आपके पसंद की सरकार थी बिहार में, 20 महीने में आपने साझा बिरादर को लेकर क्या क्या किया? ऐसा है कि आप पार्लियामेंट बैठते कि नहीं बैठते है, यानी उम्र गुजर गई है, उम्र गुजर गई हमारी, किसान के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, नौजवान के लिए। मैं जिस दिन यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था उस दिन घोषित किया, खबरदार पूछा फार्गो कांड मेरे यहाँ हुआ था जबलपुर में, एक ही कसम है कि यहाँ कोई दंगा नहीं हो सकता। आप इतने बड़े सवाल को छोटा मत करिए, और मौका आएगा, ऐसा नहीं कि मैं यही खेल जाऊं। जो सवाल आज का सवाल यही इसी तक सीमित है। कल आपने मेरे साथ में अली अनवर जी है, कल एक बयान दिया था, डिप्टी लीडर थे मेरे साथ, और जनरल सेक्रेटरी ये भी निकाल दिए गए हैं, ये भी निकाल दिए गए। शरद जी, पार्टी अब आपको जो है संसदीय दल के नेता से तो हटा दिया है, आपको भी पार्टी से निकालने वाली है, क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर में आपके पास क्या जेडीयू के लिए रहेगा? आपकी इन बातों का कोई जवाब की जरूरत नहीं। 19 की बैठक में भाग नहीं बोले, ये पूछो इस पर। कल वाले सम्मेलन में कोई आ रहे हैं? जरूर आए, यानी अपोजिशन की यानी शायद ही कोई पार्टी छूटे, शायद ही कोई कार्ड छूटे। 27 को तो जा रहे हैं सर, धन्यवाद। 27 को जा रहे हैं ना, 27 लालू की रैली का। दूसरे सवालों पर मैं बोलूंगा, वो आपसे ही किसी मसले नहीं है, आपसे कि इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं मेरे मन में, इन पर ही ना, इसलिए मैंने उठाया। साझा विरासत केवल संविधान से छेड़छाड़ का विषय है कल मुख्य केंद्र में या कोई और भी विषय है? साझा विरासत का मतलब हिंदुस्तान का जो बाबा साहब का संविधान है उसका जो प्रियम्बल है उसका यही डायरेक्शन साझा विरासत। रिपोर्ट दी है, यूनिवर्सिटी ने जो कार्रवाई की थी उसमें सुसाइड नहीं किया था। ये सारे सवाल